हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस समय कोरोना काल चल रहा है, हर तरफ कोरोना फैला हुआ है और मतलब तबीयत भी लोगों की ख़राब भी हो रही है। इसलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले सुबह उठिए और योगा करिए। मैं इस समय कम से कम 10 मिनट योगा कर रही हूँ अभी। मतलब मैं योगा करती नहीं थी, बट मैं अब करने लगी हूँ। बाबा रामदेव जी का वीडियो देखती हूँ मैं, और मैं फॉलो भी करती हूँ। अब इस समय मैं योगा कर रही हूँ। मैं अपने घर में सबको योगा भी करवाती हूँ। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी सुबह के टाइम पे अनुलोम विलोम अब कपाल भाति ज़रूर करिए, और स्वस्थ आप लोग हमेशा रहिए। और बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं इसका अपना रूटीन मैं आपको मॉर्निंग की रूटीन मैं दिखला रही हूँ। मैं ये हमारा मॉर्निंग का रूटीन है, और मैं इस समय योगा कर रही हूँ। और आप लोग भी ज़रूर योगा करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप सब अपना इस समय ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो फिर आप भी रूटीन देखिए, और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी मॉर्निंग के टाइम पे खाली पेट योगा करिए, और ये बहुत फ़ायदा करेगा। अपने परिवार का आप लोगों को केयर करना है, क्योंकि इस समय आप सबको अपना और अपने एक दूसरे का सपोर्ट करना है, परिवार का ध्यान रखना है। और फिर मैं आज आपको अपना रूटीन दिखला रही हूँ। मैं आपको स्टेप बाई स्टेप करके, जैसे आज फर्स्ट स्टेप है, मैं नेक्स्ट में दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, कुछ अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि इस समय शरीर से अपने से स्वस्थ हेल्दी से संबंधित मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। और आज की अगर हमारी ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल हमारा वीडियो जो है शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मैं आपसे फिर अब नेक्स्ट वीडियो में नया सा स्टेप, कुछ नया आपको मैं लेकर आऊँगी। जो मैं रूटीन यहाँ कर रही हूँ, मैं आप लोगों को भी रूटीन शेयर करूँगी, और आप लोग भी एक बार उसको ध्यान दीजिएगा, और उस हो सके तो रूटीन को आप भी एक बार ज़रूर करिएगा, वो हम सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए फिर मैं अब वीडियो को बंद कर रही हूँ, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया कोई वीडियो लेकर आती हूँ। चलिए फिर, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। जय सियाराम।